हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ लिस आर्ट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ नेहा निषाद और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। जितने भी बच्चों ने UP SSC JEE जूनियर इंजीनियर सिविल का फॉर्म फिल किया है उनके लिए सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे देखेंगे, डिटेल में समझेंगे, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके UP SSC या फिर UP PSS के यानी कि इस तरीके के एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टैग आपको याद रखना है कि जो उत्तर होता है सॉरी उत्तर प्रदेश को भारत का गेहूँ और चावल का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, यानी कि इंडिया के मैप में वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है यहाँ पे देखेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें डायरेक्शन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, गिव मी जस्ट सेकेंड। ओके, ये आपका जो अपर पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, ये बिलो वाला साउथ है। ठीक है, राइट हैंड साइड पर जो हमारा आता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। सॉरी, जो आपका राइट हैंड साइड पर होगा ये पार्ट होगा आपका वेस्ट का, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया ईस्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईजली कि जो इंडिया है सॉरी जो उत्तर प्रदेश है वो इंडिया के मैप में नॉर्थ पार्ट पे क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन होगी उत्तर प्रदेश की वो यहाँ पे नॉर्थ पार्ट पे क्या है, इंडिया के मैप में नॉर्थ पार्ट पे लोकेटेड है। और यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, ये जो पार्ट है वो किसको टच करता है, वो आपके हिमालय रेंज को टच करता हुआ होगा। अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर में बात करेंगे तो यहाँ पे गंगा रिवर होती है, तो इस वजह से ये जो यहाँ का प्लेन होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होता है। और अगर हम लोग साउथ पार्ट पर आ जाएंगे तो साउथ पार्ट पर इस जगह पर क्या होगा, आपको विंध्या हिल्स देखने को मिलेंगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आप इसको क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट पूरा मैप बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको छोटा सा कोई इस तरीके का शेप बना सकते हो। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश करके यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ऐसे डायरेक्शन लेके आप उसको समझ सकते हो। मेक श्योर कि आपको जैसे सेक्शन कंप्लीट होता है देन उसके बाद आपने क्या क्या पढ़ा, एक उसका हेडिंग बनाइएगा, देन उसके बाद में उसको डिटेल में खुद को ही एक्सप्लेन करिएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसा कि हमने देखा है वो लोकेटेड है कहाँ पे, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के नॉर्थन पार्ट में है। और जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है वो लखनऊ है। और स्टेट अगर हम बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है यहाँ पे, उत्तर कानपुर है। स्टेट की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है यानी कि सबसे ज़्यादा वो बड़ी कौन सी है, कानपुर है, और मैं कानपुर से ही बिलोंग करती हूँ। तो आगे देखेंगे कि यूपी शेयर्स बॉर्डर्स विद 9 अदर इंडियन स्टेट एंड द कंट्री ऑफ नेपाल, यानी कि 8 स्टेट के साथ में वो क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है, और एक कंट्री है तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर वो किसके साथ में शेयर करती है, नेपाल के साथ में। अगर किसी बच्चे को इसकी PDF भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे आपको इसकी PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। बट अगर PDF ना लेके आप अपनी सेल्फ बनाओगे नोट्स वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग एक मैप के माध्यम से कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री यानी कि जो इसका लास्ट पार्ट है जहाँ से इसकी बाउंड्री ख़त्म होती है, दूसरा राज्य स्टार्ट होता है, तो ये कौन कौन से राज्यों के साथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्थन पार्ट से लेते हैं, जैसा कि ये इंडिया के मैप में नॉर्थ पार्ट से जुड़ा है। तो नॉर्थन में आपको एक उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल से टच करता है, हिमाचल से बहुत ही कम पार्ट में करता है। ठीक है, फिर आ जाता है हरियाणा का, फिर आ जाता है राजस्थान का, फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 8 राज्यों से ये अपनी सीमा का क्या करता है, इसको शेयर करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ इंड के पार्ट से इस पार्ट पे देखें तो ये आपका किससे शेयर करता है, नेपाल से करता है। आप इजीली यहाँ पे डायरेक्शन के साथ भी समझ सकते हैं, मे बी कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, ये साउथ पार्ट हो जाएगा आपका, और हम लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो ईस्ट हो जाएगा, और जो हमारा राइट हैंड साइड पे होगा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो इंडिया सॉरी उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश
कि नॉर्थ सीमा में कौन से स्टेट से टच करता है, तो आप वहाँ पे बता सकते हो उत्तराखंड और हिमाचल से। अगर ईस्ट साइड में पूछेगा तो हरियाणा राजस्थान के साथ में। साउथ साइड में पूछेगा कि कौन से राज्य से उसकी सीमा को शेयर करता है या टच करता है, तो मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ को आप बोल सकते हो साउथ और वेस्ट बोल सकते हो। और अगर प्रॉपर वेस्ट से पूछेगा तो बिहार और झारखंड, और नॉर्थ में ये नेपाल भी आ जाता है, और नेपाल को वेस्ट नॉर्थ भी आप बोल सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश 9 राज्यों और एक इंटरनेशनल यानी कि जो हमारा दूसरा देश है उसके साथ में अपनी सीमा को शेयर करता है। आगे मूव करते हैं। देखो ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया कि किस किस से टच होता है, ठीक है। आप इसको रिलेट करो, जैसे ये आपका घर है और आपके घर के आसपास किन किन लोगों का घर है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की इसके पूरा क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 243,286 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो ये इंडिया, ये उत्तर प्रदेश का ये पूरा राज्य है, उसकी जो क्षेत्रफल है वो है 243,286 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम लोग एरिया की दृष्टि से देखेंगे तो ये चौथा राज्य है स्टेट का, ठीक है, जिसका कि ये क्या है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे नंबर पे है अगर हम इंडिया के राज्यों में बात करें। अब आपका ये होमवर्क होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, दूसरे नंबर पे कौन सा है और तीसरे नंबर पे कौन सा है। पॉपुलेशन के आधार पे देखेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की वो 240 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 240 मिलियन। एक्यूरेट तो वैसे भी नहीं पता होगी क्योंकि आपको भी पता है कि प्रतिदिन बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है और बहुत सारे मृत्यु दर रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखेंगे 2021 के अकॉर्डिंगली तो वो कितनी है, 240 मिलियन है। अगर मेनली रिवर की बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी का प्रवाह है या बहती है, तो एक गंगा नदी है, यमुना नदी है और कौन सी है, घाघरा नदी है। क्लाइमेट की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल मॉनसून है और वहाँ पे समर, विंटर और रेनी सीजन, यानी कि तीनों सीजन इक्वली वहाँ पे देखने को मिलता है। आगे मूव कर जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। उत्तर उर्दू बोली जाती है, सबसे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो उर्दू है, सॉरी हिंदी है। ऑफिशियल का मतलब क्या है, जो भी अगर नॉर्मली अगर देखा जाए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर अगर उस पर लिखी जाएगी तो वो ऑफिशियली हिंदी रहेगी। बाकी वहाँ पर उर्दू भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, अवधी हो गई, ब्रज हो गई और बुंदेली, ये उनके प्लेस टू प्लेस पर जो हमारी लैंग्वेज होती है वो उस तरीके की है। बाकी नॉर्मली अगर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग बात करें तो हिंदी ऑफिशियल है और उर्दू भी बोली जाती है। नेक्स्ट अगर रिलीजन्स की हम लोग बात करें, प्रीडोमिनेंटली हिंदू विद अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन फॉलोड बाय द अदर रिलीजन्स, ठीक है। इट मीन्स क्या है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजोरिटी हिंदू की है और उतने ही वहाँ पे क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ से बिलोंग करती है। तो और बाकी जो जैन, बुद्ध और ये भी धर्म के लोग वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्रिश्चियंस भी बहुत सारे रहते हैं। तो इट मीन जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे क्या है, रिलीजन्स की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो वो एक धार्मिक प्लेस है और वहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी बोल सकते हैं हम लोग, रिलीजन्स कैसा है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रजाति के लोग भी वहाँ पे, जाति के लोग भी रहते हैं। अगर रूरल और अर्बन एरिया की हम लोग बात करते हैं तो यूपी की जो प्राइमरी है वो क्या है, रूरल है, यानी कि वहाँ का 77% पॉपुलेशन कहाँ से बिलोंग करती है, रूरल एरिया से करती है। लिटरेसी रेट की बात करें कि वहाँ पे अगर हम लिटरेसी यानी कि कितने प्रतिशत लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो वो 67% क्या है, वहाँ के लोग पढ़े हैं, बिलो द नेशनल एवरेज। नेक्स्ट बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडलिव हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। देखो आप कहीं कहीं पे जो मेन शॉर्ट चीज़ें होंगी वो मैं इंग्लिश में लिखूंगी, बाकी जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा वो आपका बायलिंगुअल ही होगा। बट कुछ चीज़ें जो होंगी जो ज़्यादा डीपली लिखी जाएंगी और डीपली समझने की जिसकी की ज़रूरत होगी वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको डीपली में जानते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भारत के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राज्यों में से एक है। यह राज्य भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता,
धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने देखा कि एक यहाँ पे डाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे भिन्न भिन्न धर्म के लोग भी रहते हैं, तो अगर धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ पे संस्कृति यानी कि सबकी अपनी अपनी संस्कृति होगी। ठीक है, और ऐतिहासिक यानी कि प्राचीन काल से मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रागैतिहासिक काल और प्रारंभिक बस्तियाँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत पहले के टाइम से उत्तर प्रदेश भी क्या है, और हमारे अगर हम लोग इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे इंडिया का जो भी इतिहास है उसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियों के किनारे प्राचीन मानव, ठीक है, अगर वहाँ पे देखें तो प्राचीन मानव यानी कि जो एंशियन ह्यूमन बींग थे, सभ्यता के साक्ष्य मिले, यानी कि बहुत अगर बोलेंगे कि जो ह्यूमन बींग थे यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लोग कहाँ पे, जो प्राचीन मानव यानी कि अर्ली ह्यूमंस थे तो वो उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि वहाँ के कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे प्राचीन इतिहास में। तो यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो मेरठ के एक पास आलमगीरपुर है जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे अवशेष मिले। ठीक है, तो इसका मतलब वो भी कौन से हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, तो तब ये पता चला कि ये जो मिला जो भी अवशेष मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या करते हैं इनका संबंध रहा है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश रहेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करता था, अगर हम लोग देखें कि, और ये किस पे करता था, जो हमारे हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड और जो भी साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो वैदिक काल था वो 1500 और से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये काल का डिफरेंस रहा था, मतलब ये बोल सकते हैं ना एक टाइम पीरियड है कि कौन सा काल कब से कब स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ, तो ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। उत्तर प्रदेश वैदिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, यह क्षेत्र आर्यव्रत का हिस्सा था, यानी कि अगर हम लोग वैदिक काल में बात करेंगे तो वैदिक काल में आर्यव्रत के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे आर्यों ने वेदों की रचना की। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि वेदों की रचना किसने की, तो वेदों की रचना आर्यों ने की। गंगा और यमुना नदियाँ वैदिक सभ्यता के धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थी। अगर ये भी पूछ सकते हैं कि सांस्कृतिक जीवन का केंद्र कौन सी नदियाँ थी, तो गंगा और यमुना नदियाँ थी, या तो ये भी पूछ सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के धार्मिक अनुष्ठान कौन सी नदी के किनारे किए जाते थे, तो गंगा और यमुना नदी के किनारे। देखो क्वेश्चंस अपने आप में नहीं बनते हैं, हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं उसी से आप खुद भी क्वेश्चंस वहाँ से अराइज करिए, खुद ही क्वेश्चन बनाइए और खुद ही क्वेश्चन का आंसर करिए। इस तरीके से जब भी आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वैदिक साहित्य में उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है जिनमें कुरुक्षेत्र यानी कि आधुनिक दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र। देखो उत्तर प्रदेश की अगर हमने बात किया तो वो कहाँ से मिलता है, उत्तर प्रदेश का जो पार्ट होगा वो हमारा मेरठ के जो साक्ष्य मिले हैं उससे हड़प्पा संस्कृति से बिलोंग करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि वैदिक साहित्य कहाँ मिलेगा, तो कुरुक्षेत्र यानी कि अभी के समय में जो दिल्ली के आसपास का एरिया है वो पहले के जो वैदिक काल में वो कौन सा हुआ करता था, कुरुक्षेत्र हुआ करता था। और अगर हम पांचाल की बात करें तो बरेली के आसपास का जितना भी प्लेस था वो पांचाल के नाम से जाना जाता था, अभी क्या है अभी उसको बरेली के नाम से जानते हैं। अगर आपको सेशन समझ में आता है और आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप ये सेशन पढ़ें, अगर आपको नॉलेज भी रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में तो भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इस काल में दो महान भारतीय महाकाव्य थे। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में ही रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। ठीक है, कौन से काल में की गई, देखो फिर से यहाँ पे दो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा कि कौन से काल में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी, तो आप बता सकते हो कि वो कौन से काल थे, वैदिक काल थे। और वैदिक काल का पीरियड कौन सा था, कितने था, अब देखो हर चीज़ आपको रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, तो अब हैंड राइटिंग पर अभी मत जाना प्लीज़, क्योंकि ये मैं अभी फर्स्ट टाइम इस तरीके से माउस के साथ में कर रही हूँ।
हाँ, आई विल ट्राई कि मेरी हैंड राइटिंग ईजी हो जाए, अच्छी हो जाए और आप उसको समझ पाओ, ठीक है। तो वैदिक काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल में रामायण और महाभारत महाकाव्य की रचना हुई थी और ये 1500 से 600 ईसा पूर्व के समय का था। उत्तर प्रदेश से गहराई से जुड़े हैं। अयोध्या जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, अभी जो अयोध्या मंदिर बन रहा है सबको पता है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि कौन कौन विजिट कर चुका है अयोध्या मंदिर। वैसे मैं तो जा चुकी हूँ तो देखती हूँ कौन कौन गए हैं और कौन कौन जाना चाहते हैं। स्थित है को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है, ठीक है। तो क्या है, जो आपका अयोध्या है वो भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए वहाँ पे राम मंदिर बना है। इसी प्रकार हस्तिनापुर यानी कि जो आधुनिक अभी मेरठ है, ठीक है, अभी मेरठ के पास का जितना एरिया है वो पहले के वैदिक काल में हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था, भारत के प्रमुख पात्रों का केंद्र था। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा और यहीं से क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। ये पूरा डीपली अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बट यहाँ पे कुछ मेन मेन है, मैं वो आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। आगे मूव करते हैं, प्रमुख राज्य और साम्राज्य। अगर हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख राज्य और साम्राज्य में क्या थे, तो जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर प्रदेश में कई शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। मतलब उदय हुआ, कई राज्य बने, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य था, फिर लास्ट में क्या हुआ, खत्म हुआ। तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। उनमें से जो प्रमुख था वो क्या था, कौशल था। कौशल राजधानी अयोध्या और काशी यानी कि वाराणसी के आसपास का इलाका या उनका एरिया। कौशल राज्य जो कौशल राज्य था वो मेन किस में निपुण था, व्यापार धर्म और शिक्षा का केंद्र बना और प्रजा प्रसेनजीत के शासनकाल में बहुत ही शक्तिशाली हुआ। इस समय के दौरान मगध साम्राज्य का भी विस्तार हुआ। जब आपने मौर्य साम्राज्य का पढ़ा होगा तो उसमें आपने मगध साम्राज्य के बारे में भी देखा होगा टीवी पे या फिर पढ़ा होगा। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों तक पहुंचा गया। आगे मूव करती हूँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के विकास का केंद्र रहा है, ठीक है। विकास का केंद्र मतलब वहीं से उन्होंने क्या किया, इस धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी कि उन्होंने क्या किया था, इस धर्म की स्थापना की थी। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी कि वर्तमान अभी जो नेपाल में ये पाठ है तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो अशोक स्तंभ है वो भी कहाँ पे बना है, सारनाथ में बना है। तो चीज़ें क्या होंगी, आपकी रिलेट होंगी एक दूसरे से, तो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया, उत्तर प्रदेश में दिया गया, जो वाराणसी के पास स्थित है। सारनाथ बौद्ध धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन गया और आज भी इसे विश्व भर के बौद्ध श्रद्धालु पूजे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो बौद्ध श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे पूजते हैं उनको, यानी कि मानते हैं गौतम बुद्ध को, वो ऐसा भगवान मानते हैं। मैं भी मानती हूँ, भगवान तो नहीं मानती बट मैं श्रद्धा से गौतम बुद्ध को प्रणाम करती हूँ और मानती हूँ, क्योंकि ठीक है उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए हैं। उन्होंने पर्टिकुलर किसी भी इंसान के बारे में नहीं बताया बट उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो उन पे बिलोंग वो उस पे बिलीव करते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ और 24वें तीर्थकर महावीर ने इस क्षेत्र में अपने विचारों का प्रसार किया। यानी कि जो 23वें पार्श्वनाथ थे उनका तो जन्म वाराणसी में हुआ बट जो महावीर थे उन्होंने अपने विचार का आचार प्रचार और प्रसार किया। कहाँ पे उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया, उत्तर प्रदेश में दिए। आगे मूव करते हैं, मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। अभी हम लोग ने वैदिक काल का पढ़ाया, वैदिक काल में क्या पढ़ा हम लोग ने कि वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व होता है। उसमें जो महाकाव्य दो लिखे गए वो रामायण और महाभारत लिखे गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस मौर्य साम्राज्य की। देखो रिलेट करते चलोगे, रिपीट करते चलोगे तो फिर आपको याद रहेगा। मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इनका मौर्य साम्राज्य रहा। मौर्य साम्राज्य के दौरान उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और ये थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान के शासनकाल में है यह क्षेत्र।
मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उत्तर प्रदेश में कई बौद्ध स्मारकों और स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के जो फिर अगर हम लोग बात करें तो अशोक महान हुआ था, उसने भी बौद्ध धर्म को जब अपना लिया तो फिर उसने क्या किया, इसका बहुत ही अच्छे से विस्तार किया, लोगों को इसके बारे में बताया और जागरूक किया। राज्य में कई स्थानों पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं, यानी कि कई प्लेस पे शिलालेख मतलब उस पे जो शिलाएं बनवाई गई हैं उस पे लेख लिखे गए थे जो उनके प्रभाव और धर्म के प्रचार की गवाही देते हैं। आगे बात करते हैं शुंग और कुषाण काल का। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है कि मौर्य साम्राज्य का जो लास्ट, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का क्या जो लास्ट वहाँ के शासक थे उसका नाम बताना है, जो लास्ट शासक थे उसका कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे कि वो कौन सा शासक थे। आगे बढ़ जाते हैं शुंग और कुषाण काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश ने कुछ समय तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। बाद में कुषाण साम्राज्य यानी कि 1st से 3rd शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व बढ़ा। विशेष रूप से मथुरा शहर कुषाण काल में एक प्रमुख सांस्कृतिक के बन गया और मथुरा कला विशेष रूप से मूर्तिकला और वस्तुकला के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की विविध धार्मिक परंपराओं का अद्भुत मिश्रण देखा गया। आगे बढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे तो वो 320 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक रहा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में गुप्त साम्राज्य का समय स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य जब आया तो उस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के शासनकाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बन गया था। देखो पहले के टाइम में बहुत सारे ऐसे शासक हुआ करते थे तो जो किसी ना किसी एक पद्धति को या किसी एक साहित्य या किसी भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो यानी कि जो गुप्त साम्राज्य जब आया तो वो किसके उपासक थे, शिक्षा के थे, कला साहित्य के थे और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा तरक्की की और मतलब मेन उसी पर काम किया। जैसे अगर आज के टाइम में देखोगे तो अपना जो अपने प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो भी रिलेट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं या इस तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर जो टाइम पीरियड बताया जाएगा तो हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम पीरियड में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा क्या थी, वैल्यू थी या इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया। अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रयाग, यानी कि आप देखो पहले इसका नाम अभी इलाहाबाद, ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम प्रयाग था, ठीक है, अभी फिर से इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। इस काल में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था, यानी कि अगर गुप्त साम्राज्य में बात करें तो जो प्रयागराज अभी है तो प्रयाग में सबसे ज़्यादा वहाँ पे कला में ज्ञान और संस्कृति का वो केंद्र रखा कि वहाँ पे जैसे अब अगर बात करनी है आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बैंक की करनी है, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया देखते हो कि जहाँ पे सिर्फ बैंक की प्रिपरेशन कराई जाती है, कोचिंग कराई जाती है, या फिर आप SSC का करते हो तो एक आप एक पर्टिकुलर देखते हो ना कि कहाँ पे SSC की कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो मतलब हर एक प्लेस पे अलग अलग तरीके से क्या है, अलग अलग तरीके से वहाँ पे क्लासेस चलती हैं और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के। कुछ बच्चे होंगे जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो सब कहाँ भागते हैं, दिल्ली भागते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे वहीं पे एक वो केंद्र बन गया है। तो ऐसे सिमिलरली प्रयागराज में कला और ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था और ये कौन से समय में था, गुप्त साम्राज्य में, और गुप्त साम्राज्य कब था, 320 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। गुप्त काल के दौरान संस्कृत साहित्य और विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। इस समय में कला और मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ और उत्तर प्रदेश उस समय की सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। आगे मूव करते हैं उत्तर
गुप्त काल और प्रारंभिक मध्य काल। अब यहाँ पे क्या है, उत्तर गुप्त काल खत्म होने पे है और मध्य काल क्या है यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर प्रदेश में कई स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, अभी हम लोग कौन सी 6वीं शताब्दी की बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया, अब राजवंशों का उदय हो रहा है, यानी कि अब 7वीं शताब्दी में बात करेंगे। तो अब 7वीं शताब्दी में कौन आएगा, हर्षवर्धन। पहले हम लोगों ने क्या गुप्त पढ़ा और गुप्त काल का पढ़ा और मौर्य वंश पढ़ा। जो हमारा राज्यवंश आएगा 7वीं शताब्दी में, उसमें कौन आए, हर्षवर्धन आए। उसमें हमने बौद्ध पढ़ा और जैन धर्म पढ़ा। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को एकजुट किया और उसकी राजधानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थापित की। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक का प्रमुख केंद्र बन गया। कन्नौज बाद में कई राजवंशों के बीच सत्ता संघर्ष का केंद्र रहा, यानी कि लोग वहाँ पे क्या करते थे, सत्ता संघर्ष का केंद्र रहा। तो यानी कि वहाँ पे सत्ता कैसे हो, किसको मिले, कौन वहाँ पे बैठना चाहिए, कौन सा राज्य होना चाहिए, जैसे अभी भी पता है कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी किस तरीके से, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर होती थी, कन्नौज में, कन्नौज के बाद में वहीं पर होती थी। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आज के लिए सेक्शन वैसे भी 26 मिनट का हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में इसके जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड कीप लर्निंग।